जोहार हजारीबाग, आप देख सकते हैं मोदी जी का भाषण खत्म हो गया और भाषण सुन के आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अपना रूम। कैसा लगा भाषण? भाषण बढ़िया लगा। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी जो भी बोले बहुत अच्छा बोले। जो भी मतलब क्या बोले? मतलब हमारे झारखंड का विकास के लिए जो जो बोले। हाँ, अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा? बोले मोदी जी यही कि एक ही नारा है, बेटी रोटी और माटी। बेटी रोटी और माटी, माटी। वेल डन, याद है इनको बेटी रोटी और माटी। और बोले भाई झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। हाँ, घुसपैठियों को बताना है, बेटी रोटी माटी घुसपैठियों से बचाना है। और भाई बस दो चीज बोले यहाँ पे, और दो याद रहा आपको? याद रहा बस दो, याद रहा आपको दो चीज। आपको क्या याद रहा मोदी जी का भाषण से? मोदी जी का भाषण से हमें यही याद रहा कि देखिए जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर के मामले को यहाँ इन्होंने उठाया। उठाया? हाँ, पेपर के मामले को मोदी जी ने उठाया, जीएसएससी सीजीएल वाला क्या? हाँ, जैसे सभी पेपर का 17 बार पेपर लीक हुआ उसके बारे में बोला। उसके बारे में बोला। हाँ। क्या बात है, कैसा लगा मोदी जी का बात? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? आए हैं हजारीबाग से। हजारीबाग से, तो देख सकते हैं हजारीबाग से जो है महिला पुरुष जो है निकल रहे। हो गया मोदी जी का बात है? हाँ, हाँ, क्या मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला, खाली देख के मिलता है। क्या मिला? सब चीज मिलेगा, कैसे क्या नहीं क्या मिला बताइए। क्या बोले मोदी जी? मिल रहा है तो जी रहे हैं। मोदी जी क्या बोले? सबको बोले, सब कुछ बोले हैं, सब कुछ बोले। कुछ याद है क्या बोले? नहीं याद है। क्या बोले दीदी? हम लोग बाय बाय किए। हाँ, वो भी कहे। कुछ दिए आप लोगों? कुछ योजना के बारे में बताए? हाँ दिए, बहुत कुछ दिए। क्या बताए? अब सब पब्लिक सुनबे किया तो हमको बोलना क्या दरकार है? याद रहा, बोलिए। रोटी माटी और बेटी, रोटी कभी खत्म होने नहीं देंगे, कभी खत्म होने नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या बोले? और बहुत सारी चीजें बताएं। हाँ। और ज्यादातर तो आज यही पता चला कि बीजेपी गवर्नमेंट पूरा जेवीएम गवर्नमेंट की ये कर रही थी। हाँ। कि हेमंत सरकार जो है सो 5 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। हाँ। लेकिन दे नहीं पा रही है बहुत। हाँ। बार ऐसा भी हो रहा है कि मतलब मोदी सरकार ने 2 करोड़ बोला था वो दे पा रही है, नहीं दे रही है। सर देखिए, पेपर लीक का बात आता है तो हर जगह पेपर लीक होता है। क्या यूपी में पेपर लीक नहीं हुआ? लेकिन यही हुआ कि यूपी में जो गवर्नमेंट थी हमारे योगी जी, उन्होंने क्या किया, इसे सुव्यवस्थित किया और फिर से एग्जाम लिया। लेकिन झारखंड में ये चीज देखने को नहीं मिल रहा। पेपर लीक का बात उठाया उन्होंने? नहीं, वहाँ तो ये मोदी जी ने नहीं बताया, लेकिन और सारे जो मतलब बताया बताया मोदी जी। क्या बोला पेपर लीक को लेकर? क्या बोले तो मतलब जैसे कि झारखंड में सीजल पेपर, उसी के बारे में मोदी जी बोले कि मेरा सरकार आने से इस तरह घोटाला नहीं होगा। बिल्कुल। और आप बताइए क्या याद रहा आपको मोदी जी के बारे में? क्या याद रहा? सबो को जय श्री राम, जय श्री राम। ये झारखंड का जो लड़ाई है यहाँ पर ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को बारे में बोला। हाँ। घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। हाँ। और यहाँ पर सारे सनातनी धर्म को करीब करीब धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहा मोदी जी ने? अभी मोदी जी ने कहे ये। और अभी अगर यहाँ की झारखंड की जनता अगर नहीं सचेत होती है तो आने वाले समय में भी धर्मियों का यहाँ झारखंड में वास होगा। झारखंड की घंटी जो है बज रही है, बहुत खतरे की घंटी। जय श्री राम। और क्या बोला? और क्या बोला मोदी जी ने? तीन चीज पर मेन फोकस किए, रोटी बेटी और माटी। बेटी और माटी, माटी। हाँ। तीनों पे विशेष मतलब विशेष बल उसी पे दिए, तीनों। हाँ। पे बताया गया जिस प्रकार से जो बाहरी लोग आ रहा है झारखंड में, जैसे बांग्लादेशी भी बॉस कोई है जो आ रहे हैं और यहाँ पे आके बस जा रहे हैं, उस पे मेन फोकस उसी पे किए हैं। और बेटी के जो यहाँ पे कुछ हालात पहले से जैसा मतलब कि है नहीं, जो हालात बेटी का कुछ ठीक नहीं है, तो उस पे भी मोदी जी कुछ अच्छा ही बोले हैं कि हमारे सरकार आने पर बेटी का भी सुरक्षा मिलेगा। और जो रहा है रोटी का बात, जो सरकार वादा किया है यहाँ का, जो दिया नहीं है, जो हर साल बोला गया कि 5 लाख ये नौकरी दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब, जो कि ये वादा पूरा किया गया नहीं है ये सरकार के द्वारा। तो उनके द्वारा कहा गया है मोदी जी के द्वारा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस फिर से हम जो ये वादा जो हम लोग कर रहे हैं ये तीनों चीज़ का ये पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। और किसी को कुछ याद आ रहा है भाषण से? किसी को कुछ याद आ रहा है? कौन लेके आया मोदी जी का तस्वीर? आप लेके आए हैं जी? क्या नाम है? अयान। अयान, तो देख सकते हैं अयान ने तो दिया क्यों नहीं आपने मोदी? नहीं दे पाए, मौका ही नहीं मिला, इतना भीड़ था। कितना दिन में बनाया इसको? बनाने को 4 घंटे में बनाया है। 4 घंटे में जी? तो मोदी जी के आने की खुशी में बना रहे थे आप? जी बना रहे थे। इसको पोस्ट कर दीजिएगा पीएम जी, पोस्ट तो जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक से एक फैन है यहाँ पे नरेंद्र मोदी के, जो पोस्टर बैनर सब लेके आए थे। अभी भी जो लोग हैं निकल रहे हैं बाहर से, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांधी मैदान जो है वो खाली हो गया है, लोग निकल के जा रहे हैं। अब जो है
माहौल ऐसा था पहले शुरू में कि लोगों को पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब भाषण सुन के लोग जो है जा रहे हैं, कुछ लोग तो अभी भी बैठे हुए हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर जाइए नहीं, नहीं देख पाए, थोड़ा दूर थे इसलिए नहीं देख पाए थे, देख नहीं पाए, यहाँ पे थे, थोड़ा भाषण भी नहीं सुने, सुने थे थोड़ा भाषण सुने। क्या रहा मुख्य आज का भाषण? रोजगार रहा, सारा चीज रहा है, रोजगार है, डेवलपमेंट है, सारा विषय हम बात किए। भाषण सुने मोदी जी का? बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? अच्छा, इस बार परिवर्तन तो होगा। हाँ, और क्या बोले मोदी जी, क्या बोले आज? बोले कि इस बार बीजेपी का सरकार झारखंड में बनेगा, यही बात। तो ये बात मोदी जी बोल के गए। हाँ, तो देखिए गांधी मैदान में लोग भाषण सुन के निकल रहे हैं, ये लोग और क्या हुआ, भाषण सुन के निकल रहे हैं मोदी जी का? हाँ निकले, बहुत अच्छा लगा भाषण दिए वो। मोदी जी को देखे ना? दिखे नहीं, देखे हाथ पर देखे, यहाँ से हाथ पर देखे। हाँ। कहाँ बैठे हुए थे? वहाँ बैठे थे, गाड़ी में निकले, नहीं दिखे। भाषण कैसा लगा, क्या बोले मोदी जी? बहुत अच्छा लगा, वो बोले कि देश के लिए मैंने सेवा कर रहे हैं, बोला झारखंड पे, मैंने हम लोग बोले कि बेटी बचाओ और बेटी और माटी रोटी के बारे में बोले, यही बोले चर्चा किए। जैसे बढ़िया छात्र हैं यही है हजारीबाग में, छात्रों के बारे में कुछ बोले मोदी जी? मोदी जी बोले कि झारखंड में जो पेपर लीक का अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रही है, जैसे लगातार जैसे अभी पीजीटी का बहुत भारी मात्रा में घोटाला हुआ, उसके तुरंत बाद अभी जेएसएससी सीजीएल का भी आंदोलन चल ही रहा है, तो मोदी जी बोले कि झारखंड में जो इतना ज़्यादा स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है और ख़ास करके जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एसएसटी एससी ओबीसी इन लोगों का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो बोले कि अगला बार मतलब इस बार जरूर बीजेपी की सरकार बनेगी और जो भी अन्याय हो रहा है उन लोगों से छुटकारा दिलाया जाएगा और जो पेपर लीक हुआ है उसका सीबीआईडी से जांच करवाया जाएगा, सीबीआईडी से जांच करवाया जाएगा, मोदी जी ने आज कह दिया। ये नेताजी भी हैं बरही से। मनोज जी क्या रहा आज का भाषण, से जो मोदी जी का भाषण था क्या रहा, क्या अलग? बहुत ही अच्छा रहा। आज महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर हजारीबाग के गांधी मैदान में आज आदरणीय मोदी जी ने जो संबोधन किया, इस बात पर आज जो परिवर्तन यात्रा जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस भाजपा की ओर से निकाली गई थी, मोदी जी ने उस पर जनता ने इस पर मोहर लगा दिया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हेमंत सरकार की परिवर्तन होगा। बिल्कुल, तो हम लोग सुन रहे थे बरही से मनोज यादव जी के जो भाषण सुन के निकले और बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जो है उसको बदलेंगे और ये नरेंद्र मोदी जो हैं भाषण सुन के स्टेज से बोल के गए हैं।